सभी भाइयों को जय देव, जय माँ भवानी और जय शांता धर्म। तो भाइयों, जैसे कि आपको पता है कि बीजेपी आरएसएस द्वारा पश्चिमी यूपी में एक भी क्षत्रिय समाज को टिकट नहीं दी गई, ऐसे में बीएसपी द्वारा क्षत्रिय समाज को अभी तक अकेले बेस्ट यूपी से 3 टिकटें दी गई है, वो भी क्षत्रिय बाहुल्य इलाके से, जहाँ से क्षत्रिय समाज की टिकटें बीजेपी आरएसएस द्वारा काटी गई। तो भाइयों, सबसे पहली टिकट जो दी गई है वो गौतम बुद्ध नगर से, जहाँ से हर बार क्षत्रिय जीतना चाहिए, लेकिन जहाँ से मिहिर शर्मा जीत जाता है और क्षत्रिय विरोधी काम करता है, मीर भोज का इतिहास चुराने का काम करता है, इसकी कॉन्स्टिट्युएंसी में सबसे ज़्यादा क्षत्रिय वोट हैं। तो भाइयों, अगर क्षत्रिय समाज ने अंतर्वक्ति ना दिखाई और 90% क्षत्रिय वोट ठाकुर राजेंद्र सिंह सोलंकी, जो कि मिहिर भोज को क्षत्रिय बताते हैं और प्रोग्रामों में भी जाते हैं, वो इतिहास चोरी नहीं होने देगा। और दूसरा बंदा जो बीजेपी का, वो इतिहास चोरी करवाता है। अब आपकी आंखें अंधी है तो अलग बात है, 90% क्षत्रिय वोट भी गौतम बुद्ध नगर से अगर ठाकुर राजेंद्र सिंह सोलंकी को पड़ जाते हैं तो उनका जीतना तय ही तय है, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जहां पर समीकरण ही ऐसा चला है, दलितों के वोट भी क्षत्रिय समाज के साथ हैं, क्योंकि बीएसपी पार्टी है और क्षत्रियों के वोट इतने, अकेले क्षत्रियों के और दलितों के वोट हैं कि मजे से ये सीट निकाल सकते हैं। लगभग 5-6 लाख क्षत्रिय वोट हैं और 3 लाख से ज़्यादा दलित वोट हैं, तो अकेले सीट निकाल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी जो सीट है वो है गाजियाबाद की, जहां से हर बार क्षत्रिय सांसद बनता था, लेकिन बीजेपी आरएसएस ने जहां से भी क्षत्रिय समाज की टिकट काट दी, और अब जो खड़े हुए हैं वो एक कट्टर क्षत्रिय हैं, ठाकुर नंद किशोर पुंडीर। जब राजा धीर सिंह पुंडीर की मूर्ति बीजेपी आरएसएस द्वारा नहीं लगाई जा रही थी तो तब वे विरोध में भी आए थे और वहां पर धरने भी लगाए थे। तो भाइयों, वो भी कट्टर क्षत्रिय हैं, अगर चुनकर आएंगे तो क्षत्रियों के लिए भी काम करेंगे ही करेंगे। अब क्षत्रिय अगर ने जहां भी अंधभक्ति ना दिखाई, जहां पर भी 5-6 लाख क्षत्रिय वोट हैं और 90% क्षत्रिय भी उनके साथ चले गए, दलितों के वोट तो आने ही हैं, तो जहां से भी जीत तय ही तय है। तीसरी बात करें किराना की, किराना में जो टक्कर इस वक्त चल रही है, बीजेपी तो है नहीं टक्कर में, टक्कर इस वक्त चल रही है जो कांग्रेस की और समाजवादी पार्टी का जो उम्मीदवार है, इसके अलावा बीएसपी का क्षत्रिय उम्मीदवार श्रीपाल राणा। अगर क्षत्रियों और समाज ने जहां पर अंधभक्ति ना दिखाई और 100% वोट डाल दिए एक जगह, तो पूरी तरह से उनका जीतना तय ही है। बाकी विधान लोकसभा में 90-90% भी पड़ गए तो वहां तो जीतेंगे जीतेंगे, क्योंकि वहां पर वोट बहुत ज़्यादा है। जहां पर बेशक आधे वोट हैं क्षत्रियों के, लेकिन दलितों को और क्षत्रियों के अगर वोट मिला लें, अगर सारे के सारे वोट पड़ जाते हैं, तो जहां पर भी कांटे की टक्कर हो सकती है। 3 में से 2 सीटें तो पक्की हैं और तीसरी सीट भी निकाल सकते हैं अगर हम लोगों ने पूरा भरपूर तरीके से एक जगह एकमुठ होकर वोट डाल दिया। हम चाहते हैं कि हम आगे भी ऐसे ही सिर्फ अपनी कौम के लिए आवाज़ उठाते रहें, जो कि मेरे लिए सबसे पहले अपनी कौम है। तो आप हमें नीचे दिए हुए जो क्या हुआ कोड है, आप सभी स्कैन करके आप सभी इसको हमें जितनी सपोर्ट कर सकते हैं, किसी से 20, 50, 100, 500 जितना भी आपसे होता है, और हम ऐसे ही क्षत्रिय इतिहास पर वीडियो बनाते रहें। आप इस QR कोड के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सभी भाइयों को जय देव, जय माँ भवानी और जय शांता।